क्वेश्चन नंबर देना है, अ फाइन बैलेंस 1995 इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल 603 पेज नॉवल बाय रोहिंगटन मिस्त्री। ही इज एन इंडियन कैनेडियन राइटर। हिज वर्क्स आर फैमिली मैटर्स, सच अ लॉन्ग सर्च, टेल्स फ्रॉम फिरोजशाबाद, द स्क्रीम एंड सम मोर। और लिखें तो सबका कितना नाम दीजिएगा। मेन कैरेक्टर्स इन फाइन बैलेंस आर दीना दलाल, दीना औरत, ईश्वर दारजी, ओम प्रकाश दारजी, नेफ्यू ऑफ ईश्वर दारजी, इसका भतीजा है, एंड मैनिक कोला यंग स्टूडेंट है। तो ये सब नया नया नाम बना बना के थे, ये विचित्र सब नाम लिखे, आपको क्या कहिए, याद करना पड़ेगा। टू, द टाइटल अ फाइन बैलेंस इंडिकेट्स अ सोसाइटी इन विच डिफरेंट थिंग्स एग्जिस्ट इन करेक्ट अमाउंट। फाइनल बैलेंस सब कुछ बैलेंस बनाना चाहिए, बट देर इज अ ग्रेट डिस्पैरिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर ऑल ओवर द वर्ल्ड। कि समानता चाहिए, बैलेंस चाहिए, लेकिन वो तो है नहीं, विश्व में चारों बगल गरीब अमीर बहुत बड़ी खाई है। द नॉवल फाइन बैलेंस डील्स विद एन अनआइडेंटिफाइड सिटी इन इंडिया। किसकी कहानी है, एक शहर जिसका नाम नहीं दिया है लेकिन इंडिया का है। राइटर्स डोंट नॉट नेम द प्लेस बिकॉज दिस मे गेट हिम इन टू ट्रबल। कोई जगह का नाम देने से बेचारा झंझट में पड़ सकता है, कोई उसका गट्टा पकड़ लेगा, मेरे शहर के बारे में कहे गंदा बात को, इसीलिए लोग क्या करता है, होशियारी से कोई जगह का नाम नहीं दिया है। द स्टोरी इज रिलेटेड टू 21 मंथ इमरजेंसी। अब देखिए कहानी किसकी है, 21 महीने का इमरजेंसी, हम इसको देखें इमरजेंसी को, 1975 to 1977। ये इमरजेंसी कौन किया था, इंदिरा गांधी took full power and crushed all political opposition। यही इमरजेंसी लागू की थी, हम तो उस समय थे, देखे था इनका तमाशा सब देखे थे, बड़ा दर्दनाक था। लेकिन वो द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी सेड दैट शी वॉज गिविंग अ शॉक ट्रीटमेंट टू द कंट्री। क्या बोले, देश को ना शॉक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जैसे पागल को नहीं देता शॉक ट्रीटमेंट, वही वो दे रहे थे। बहुत घमंडी हो गई वो। ट्रेन्स, ऑफिस, स्कूल्स एंड कॉलेजेस स्टार्टेड रनिंग ऑन टाइम। हाँ ये हुआ भैया, लेकिन हम देखे गाड़ी है, ऑफिस है, स्कूल, कॉलेज, हम लोग सब डर के मारे समय पर पहुँच जाते थे। बट देर वॉज फियर इन दी हार्ट ऑफ कॉमन पीपल नाइट एंड डे। लेकिन दिन रात भय हम लोग को सताते रहता था। संजय गांधी द सन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वॉज इन चार्ज ऑफ फैमिली प्लानिंग। और ये उसका बेटा है, बर्बाद बेटा, आवारा बेटा, किसका अपने इंचार्ज था, फैमिली प्लानिंग का इंचार्ज था। यू गेट अ पिक्चर ऑफ हाउ वुमेन इज ऑपरेटेड ऑन बाय, ये पिक्चर देखिए नॉवल में पिक्चर दिया जाता है कि एक औरत बेचारी का कैसे ऑपरेशन होता है बाई फोर्स। उस औरत का ऑपरेशन जबरदस्ती किया जाता है। इन द नॉवल अ फाइन बैलेंस शी सेज टू द डॉक्टर, वो डॉक्टर कहती है आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ी हूँ, माई वूम इज बैरन, मतलब हमको मेंस नहीं होता, हमको बच्चा नहीं होगा, बैरन, देर आर नो एग्स इन इट, मतलब मेंस हमको नहीं होता, बच्चा हमको नहीं होगा। लेकिन द डॉक्टर परफॉर्म द ऑपरेशन बाई फोर्स, फिर भी जबरदस्ती उसका ऑपरेशन कर देती बूढ़ी औरत का, बिकॉज ही हैज़ टू कम्प्लीट हिज कोटा। डॉक्टर को क्या डर है, वहाँ पर तो कोटा तो 5,000 ऑपरेशन करना है, तो कोटा पुराने के लिए क्या करता था डॉक्टर, पकड़ पकड़ के जबरदस्ती ऑपरेशन करता था, पुरुषों का और औरतों का भी। द डॉक्टर कैन बी जेल्ड इफ द कोटा इज नॉट कम्प्लीटेड, यदि डॉक्टर कोटा नहीं पूरा करेगा तो जेल हो जाएगा, इसीलिए डर से जिसको पकड़ धकड़ के लोग ऑपरेशन करते रहता था, बहुत अत्याचार हुआ था। द इमरजेंसी कुड नॉट इम्प्रूव द सोशल कंडीशन ऑफ द यंग विडो दीना दलाल। अब देखिए इमरजेंसी तो लागू हुआ लेकिन उसे सामाजिक हालत औरतों की नहीं सुधरी, विधवा है, ही स्लैप बैडली फॉर चेंजिंग हेयर स्टाइल। विधवा है, अपने हेयर स्टाइल बदली तो एक थप्पड़ कस के उसका कोई संबंधी देता है। पेज 4 हो गया, आज पेज 5 में आता है। देर आर सम सोशल वर्कर्स लाइक मिनेक कोहला, नाम सब विचित्र है, क्या कीजिएगा, मिनेक कोहला हु हेल्प्स अनटचेबल लाइक ओम प्रकाश, ये नाम आसान है। ये कोहला है, सोशल वर्कर है और ओम प्रकाश जैसे अछूत को मदद करता है, अछूत है होता थोड़े है लेकिन कहता है। द स्टिचिंग जॉब इज लाइक गांधी जी स्पिनिंग व्हील दैट हेल्प इन ड्राइविंग अवे द ब्रिटिशर्स। तो इस उपन्यास में स्टिचिंग के सहारा से
सोशल वर्क किया जाता है, गरीब दुखिया को सिखा सिखा के कपड़ा बेच बेच के लोगों को मदद की जाती है। तो ये किसका हम लोग याद दिलाता है, गांधी जी का स्पिनिंग व्हील वही था ना, अंग्रेजों को भगाने में बहुत बड़ा उसका हाथ था। ब्यूटिफिकेशन स्कीम्स मेक मैनी पुअर पीपल होमलेस, और ब्यूटिफिकेशन के नाम से बहुत सारा पुरानी बिल्डिंग सब तोड़ दिया गया और यहाँ पर क्या कहते बहुत लोग बेघर हो गए, ये सब कष्ट कर है। द बेगर मास्टर शंकर रिमाइंड्स अस ऑफ द काउंटलेस बेगर्स इन इंडिया, और बेगर की इसका भी तस्वीर दिया जाता है भिखमंगी सबका, शंकर का तो पैर नहीं है लगना है, तो हम लोग याद दिलाता है यहाँ के हजारों भिखमंगी का। अब तो कंक्लूजन ला रहे हैं, टू कंक्लूड, अ फाइन बैलेंस बाय रोहिंटन मिस्त्री है टू मच डिस्पेयर, पूरे उपन्यास में क्या है, निराशा है, डिस्पेयर है, निराशा है, निराशा है, समझे, बहुत निराशा है। द ग्रेटनेस, थैंक यू जान, द ग्रेटनेस ऑफ द पुअर पीपल इज दैट दे हैव एंड्योरेंस एंड गो ऑन स्ट्रगलिंग, लेकिन इनकी महानता क्या, गरीब लोगों की, लोग बर्दाश्त करते हैं कष्ट को और अपना संघर्ष करते रहते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।